और इस टाइम हम मौजूद हैं लाहौर वाल्टन रोड पर। तो नाश्ता करने के बाद अब हम बैठे हैं यहाँ पर, हमारे एक दोस्त थे उन्होंने दरबार पर सलामी देनी थी। दरबार जी गाइस, आज का व्लॉग बनाएंगे बटी दरबार फाब। यार थोड़ा यार चुप नहीं करता यार, ये मैं इसको मतलब बता रहा हूँ कि यार चुप कर जा चुप कर जा। पता है तू व्लॉगर है यार, ठीक है हमें भी बोलने दे, उधर रख ले इधर रख ले। नहीं हम पेंडू बंदे यार, किड्डा तेरा चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी उस्मान गनी एसकेटी एंड दिस इज मी ज़िया रहमान सिद्दीकी। तू बकवास कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारा पहला जनाब टूर उस्मान गनी सियालकोट। जी गाइस, रात को 9 बजे हम निकले लाहौर के लिए। और 1.5 घंटे से पहले हम लाहौर पहुंच गए बदरिया मोटरवे सियालकोट। शुक्रिया नवाज शरीफ। जाते ही शिंदा जट साहब ने खाना खिलाया और फिर पहुंचे भाई साहब के हॉस्टल रस्में नींद पूरी करने के। यार भाई और तो चलो सो गए ना, तो रील भाई बंदा सर हेलो इधर देखियो जरा उठे हो दादा हो पायो उठो उठो ठीक है लैब भी लगी वो सीधे पे तू एज हो इधर हो गए ठीक है ओके फिर गुड ना नहीं एवरी जेब करो ठीक है हम पुठा नहीं सोना है चलो अच्छा इधर की है इधर आए इधर की है अरे किच ऐते है तो लगा दे ऐते गद्दा तो मेरे से लग गया वो पैर से वो मार दे चल सोइया 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 आशीर्वाद लो ओ प्राओ गाइस बटी साहब की गालियों पे मैं अभी से माफ़ी चाहता हूँ। ये जो कबूतर दे पाते क्या तो हम दे नहीं तो पढ़ जाओ कहाँ चलो हो जी तो ज़िया साहब को नींद नहीं आ रही थी और इसलिए उन्होंने की दूसरों की भी नींद हराम। जी नाजरीन आज मैं मौजूद हूँ उस्मान गनी सियालकोट जो कि ऑफिशियल ब्लॉगर हैं सियालकोट के, मैं आज उनके साथ मौजूद हूँ। मेरे लिए ये बहुत खुशकिस्मत की बात है कि मैं आज उनके साथ लाहौर में मॉडल टाउन के बिल्कुल साथ करीब 2-3 बजे का फर्क है आज हम यहाँ पर। लेकिन जो हमारे यार ना जो बंदे ने दियो ते भेजो बैठ पैसे पर भी तो नुआ दी यार ना यार ना सिर्फ बिठाई है तो डेटे दे यार वो आ गई खाजो पे आ दो दियो यार ठीक है ठीक है आ गई साडा ये यार बाकी में बढ़ते ही मैं चेक कर तू कर जा मुझे पे आ दी दवाई यार लैट तेरे को बंद कर दो छपा दे सीधा करेगा ना सीधा करेगा ਸ਼ਿੰਦਾ ਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਵੇਲ ਸਮਝ ਜਾਈ ਟੈਟੂ ਪਾ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਜੀ ਹਮ ਕਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੈਲ ਲੱਡੇ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੀ
ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਮਸ਼ੇਦ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੌ ਦੋ ਜੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੌ ਗਿਆ ਆਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਯਾਰ ਉਹ ਲੈਟ ਪਾ ਲਈ ਕੁਛ जी गाइस, तो रात को 2 घंटे की नींद और 25 घंटे की मस्तियों के बाद फिर निकले सुबह जू के लिए। लाहौरी शहरी के वार्डन वाले के सामने मिनटें देख के मुझे अपने शहर की पुलिस फरिश्ता लगने लगी। और फाइनली हम पहुंच गए जू में और सबसे पहले मुलाकात हुई बट्टी साहब से। मजिया उस्मान भाई पट्टी है उस्मान गनी एसकेटी ओ थले सारा देखो लकड़ लग दे नहीं नहीं है थले ओ सा देखो लेन दे बड़ी दूरों आए इसे आस दिखी तेरी मेहरबानी नहीं सलाह उधर वेख लिए आज हम फितरत की कुछ खूबसूरत नहीं कुदरत कुदरत नहीं फितरत कहते हैं अगर वीडियो च रिकॉर्ड हो गया रिकॉर्ड मतलब ना हो गया रिकॉर्ड शर्त ला लो जी इतने चल बात कर लेंगे आइए आइए किसे उस्ताद को पूछी फितरत किन कहते हैं अच्छा तेनु कहते हैं कुदरत का दूसरा नाम अच्छा वो मेरे काम दे मेरे काम दे मैं की कर लूं लुमड़ी मुझे इधर बैठा कपल है किंग और क्वीन किंग और क्वीन क्वीन किंग वे ये मुझे फोन ना लगे ओ हेलो ऐ मैन आने गई हूं हां सुनो यहां पे नॉर्मल हां तेरे के नाल का दे ओए विश्कार मामा वोट दे लेने हां की है बड़ा हो गया इन कीन को लाइया वो चौधरी अब भैया थक जाएगा भैया भैया हेलो खलो एक मिनट मामा खलोंदा नहीं एक जगह बिल्लियां बनी तेरे पैरों बेटा बात तो सुनो ना वो इंज तो इंज सही ओ मड़ा ये क्या बात करते यार गाला करनी है मैंने इधर आ इधर शिकार अपने ने शिकार भेज दी बेटा मैंने पता ना उतनी आ वो पट्टी ओदा पता कोई नहीं जी वो इत्थे आ गए नहीं टेंशन ले ब्रिटिश की टेंशन ले
ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ ਵੋ ਰਹਾ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਸ਼ੇਰ ਕਾ ਓਏ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ जी गाइस, तो चिड़ियाघर में शेर देख देख के हम हो गए थे बोर। और अब तैयारी थी शाही किला देखने की, जो कि हमसे देखा नहीं गया। तो जू के बाद अब देखने आए हैं शाही किला। और यहाँ पे कोरोना वायरस की आत्मा रोली गई पाकिस्तानियों की तरफ से। और यहाँ पे अली हैदराबादी की तरह बटीफा फ्लेल होने के चक्कर में। पांच मिनट में पूरा शाही किला देखने के बाद हम रवाना हुए बादशाही मस्जिद के लिए, जो कि बिल्कुल साथ थी। और ये रही बादशाह मस्जिद, जिसको ज़्यादातर लोग इबादत का नहीं तो फिर ही गाह समझते हैं। और भट्टी साहब ने आते ही अपनी टीटो पार्टियां शुरू कर दी। ये देखें इनका मूड ख़राब है, हालांकि ये जो है ना वो सामने भाई साहब हमारी जो है ना पिक्स ले रहे हैं, लेते रहे साहब एक दो हमारे साथ ही ले रहे इधर सामने तो अच्छा। मैं कह रहा था कि इसका मूड ऑफ है, लेकिन ये झुक के लगा रहा है। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें। जी तो नाज़रीन, अब हम यहाँ से कूच करने लगे हैं। ये मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान गनी सियालकोट, जो अपनी मूंछों को ताव दे रहे हैं। और ये चलो जी कोई बात नहीं, मेरे पीछे नन्हे मुन्ने बच्चों की कतार जो मदरसे से भाग कर आए हैं और बादशाही मस्जिद का विजिट करेंगे। धूप में दूसरी चारों तरफ में गर्मी लगती है, पाँव जलते हैं, लेकिन इस पर चलने के आप चलेंगे आपको ज़रा भी फील नहीं होगा कि आप किसी गर्म जगह पर चल रहे हैं। क्या सीन है, क्या शीन है, क्या तोएं क्या जोएं। जी गाइस, तो एक दिन में जितना लाहौर देख सकते थे उतना देखा। और फिर ले वापसी की राह विद सैड सॉन्ग्स। और वापसी पे सूरज हमारे साथ साथ वापस आया, बिल्कुल बचपन की तरह। जी गाइस, लाहौर देखने के बाद यह साबित हुआ कि इस बात में कोई शक नहीं
कि लाहौर लाहौर और बाबा जी सियालकोट का भी कोई जोड़ नहीं, बाबा जी सियालकोट।